सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज व्लॉग बन रहा है काफ़ी दिनों के बाद। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था और साथ में मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि मैं किस काम के लिए बिजी था। काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा टाइम मिला है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, और भी बड़े काम है। ठीक है, अभी हमारा प्लान बनाया और अभी हम जा रहे हैं फैमिली के साथ वैष्णो देवी। और आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, कोई अपडेट नहीं रखा इंस्टाग्राम पे वगैरह। आज मैं आपको अपने स्मोकी व्हील फैमिली के एक मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने तू नहीं है ये भी नहीं है, बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ मिसिस स्मोकी व्हील्स। तो भाई ये है हमारी धर्म पत्नी, और यही चक्कर है कि मैं बिजी था काफ़ी, व्लॉग्स में नहीं आ रहा था। और ऐसा है कि मिसिस स्मोकी व्हील जो है वो कैमरा शाही है, तो मेरे को कह रहा था कि कैमरे के सामने मुझे इतना मत लाना। तो लो ठीक है, काफ़ी दिनों के मैं व्लॉग कर रहा हूँ और होप सो आपको पसंद आएगा। हम निकल रहे हैं फिलहाल, फैमिली वाले सारे नीचे तैयार हो रहे हैं, हाँ भाई हम निकलेंगे 3 बजे यहाँ से सुंदरबनी से कटरा के लिए। तो फिर वहाँ पे घूमेंगे, इंजॉय करेंगे ये आज का दिन और कल का दिन। कल ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा व्यू इंजॉय करेंगे और आपके साथ बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया कि आपके साथ मेरे को इंटरेक्ट किए हुए। तो अभी फिलहाल फटाफट सामान पैक करते हैं और यहाँ से तैयारी करते हैं निकलने की। तो अभी हम गाड़ी में आ चुके हैं, बेसिकली हम टोटल लोग हैं अभी 8 और गाड़ी है हमारे पास 2, एक तो अपनी ब्लैक रैपी जा रही है और अपनी दूसरी गाड़ी है फैबिया, वो लेके जा रहे हैं पापा और वो निकल गए आगे। फ्रंट सीट पर बैठे हैं सोनिका दीदी, हेलो। और सोनी आज बड़े खुश हैं क्योंकि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि पैदल जा रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं, है ना एक्साइटेड? एक्साइटेड तो बस पहुंच जाओ तो पीछे हमारे वो चिंगू मिकू, वो सस्ता पुष्पा सक्षम नॉर्मी गेमर और मिसेस स्मोकी व्हील्स। काफ़ी टाइम के बाद हम व्लॉग कर रहे हैं और इसका रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम मेरे लाइफ का दूसरा चैप्टर खुल गया जिसके कारण मैं बिजी रहा पिछले दिनों, कि काफ़ी सारी आपको पता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और जीजू भी आ रहे हैं दिल्ली से, वो कल रात को निकले थे दिल्ली से, अभी वो सुबह के कटरा पहुँचे हुए हैं बोल रहे हैं आओ आओ, और दोपहर हो गई है जीजू वहीं घूम रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं आपसे फोन? एक्सप्लोर कटरा, तो अभी वो कटरा एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ खा भी रहे होंगे वहाँ पे, लोकल आइटम्स वगैरह इंजॉय कर रहे होंगे। तो साथ साथ में आपको ये बता दूँ, ये कार्निवल खुला है हमारे यहाँ सुंदरबनी में, हम तो होके आए हैं, अभी व्लॉग नहीं बनाया मैंने इस पर, वापिस आएंगे फिर कभी तो इसको भी कवर करेंगे दोबारा से। तो फिलहाल अभी यहाँ से चल रहे हैं हम कटरा, और पापा और बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं ब्लॉक के चक्कर में बड़ा स्लो चला रहा था क्योंकि हमने 9 बजे तक पहुंचना है अधकुआरी, बिकॉज जो हमारी टिकट्स हुई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अधकुआरी से ऊपर की, वो हमें 9 बजे तक मिलेगी। तो फटाफट अब हम निकलते हैं, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, फिर भी आप थोड़े बहुत रस्ते के सिनेमेटिक्स इंजॉय करो। लोग आ रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होने गए हैं और हमने अभी यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, गर्मी है यार यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल अभी जब से जब तक धूप है तब तक गर्मी है, लेकिन अभी जब टाइम हो रहा है अभी जैसे धूप ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली मौसम ठंडा हो जाएगा। Thank you.
रहा खड़ा, आयो आयो आयो, 10 रुपए भाई, 10 रुपए, 10 रुपए भाई। जीजू भी मिल गए हमें कटरा में। जय माता दी। सुबह से क्या कर रहे थे आप? मैं सुबह से आप लोगों का वेट कर रहा था और रिलैक्स हो रहा था, अपने आप को एनर्जेटिक बना रहा था। चलो जीजू भी आ गए भाई। अब मतलब कि हमें सबको यात्रा स्लिप भी मिल गई है। ऐसा है कि यहाँ पे बहुत रश रहता है स्लिप्स का ना। टिकट काउंटर जो 1 है वो भी फुल था, 2 भी फुल था, लेकिन कहीं लोकल चेक लग गया हमारा। यहाँ पे हो गया काम, फटाफट हो गया काम। हमारा काम, हमारा जो काम है बन गया। मम्मी बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बोर्ड देखे हैं। तो अब बस यहाँ पे ऐसे है थोड़ा सा ना, टिकट के चलते चलते हम थोड़ा थक गए हैं थोड़ा सा, लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तो सब रिफ्रेश हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर यहीं पे बैठे हैं, अभी चाय शाय पियेंगे और यहाँ से पहले हम जाएंगे बाणगंगा जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो निकलते हैं, देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। अभी चाय शाय का प्रोग्राम बन रहा है, देखते हैं क्या बनता है। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, मेरे को बाबा मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। तीन पिंडिया माता जी की है ऊपर, जिनमें पहली है सरस्वती। खुद भूल गए यार, अभी मैंने बताया। कौन कौन? सरस्वती, सरस्वती माता, देन सेकंड इज लक्ष्मी माता, एंड थर्ड इज काली माता। अभी फिलहाल यहाँ से यात्रा शुरू होगी। पहले यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, चेकिंग वगैरह होगी। भाई अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम चल रहे हैं ऊपर, सारे आ गए हैं फैमिली वाले, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं और संदी, हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम आस्ता आस्ता चल रहे हैं, पापा भी आ गए। तो काफ़ी देर के बाद पापा आए हैं वैष्णो देवी, बहुत टाइम के बाद आए हैं, 20 साल के बाद आए हैं। और एनर्जी 20 साल पहले वाली है, 20 साल पहले। जय माता दी। रिटायरमेंट के बाद टाइम मिला इनको, लेकिन 20 साल पहले वाली एनर्जी है। मैं 12 साल बाद आया हूँ जी। 12 साल बाद एनर्जी आपकी उससे भी 12 साल पहले वाली। एनर्जी तो मेरी 11 साल की समझ लो, एनर्जी 11 साल पहले वाली है। एनर्जी तो एक नंबर है, उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है एनर्जी हमारी बढ़ रही है। तो फिलहाल अभी बाणगंगा पहुँच गए और यहाँ पे अभी थोड़ा रुके हैं सारे। अपना हमने ये रखा हुआ कि कंटिन्यू चलते रहेंगे धीरे धीरे, और जितनी भी यात्रा है उसको आराम से सक्सेसफुल करेंगे। अब ये मिल गया, इसके सारे हम पहुंच जाएंगे। किसके सारे? गन्ने के सारे। तो मेरे ख्याल से साल बाद आया है ना। बहुत बहुत फर्क है भाई। क्या फर्क है? बहुत बुरी हालत है। उस टाइम हम मजे से लेट बैठ के गए थे। हाँ, क्योंकि रश बहुत है यार। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो रश बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ना बहुत रश है और मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है ब्लॉग करते समय, और मज़ा आने वाला है। 9 बजे इलेक्ट्रिक बार लेने लगे। 9 बजे हमने अधकुआरी का टारगेट बनाया होता और 8:30 हो रहे हैं अभी, तो रश बहुत है भाई।
तो भाई यहाँ से हिमकोटी जो लेफ्ट साइड को जा रहा है तो वो है 5.5 किलोमीटर, और जो राइट को जा रहा है वो है हाथीमाता मार्ग जो कि अधकुआरी होके जाता है 6.5 किलोमीटर राइट साइड से। तो अभी फ़िलहाल हमने जाना है यहाँ हिमकोटी वाली साइड से, 5.5 किलोमीटर है। तो बस अभी यहाँ पे अभी रुकेंगे हम और सबका वेट करेंगे। ऐसा है कि बैटरी कार से जाना था, हमने टिकटें भी करा के रखी हुई थी लेकिन हम बहुत लेट हो गए हैं और बैटरी कार यहाँ से चले गए हैं। तो फिलहाल आज जो सफ़र है वो पैदल करना पड़ेगा। बस जीजू और आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं और कीर्ति नॉन स्टॉप आए हैं अपने आचरण बाउदिका से। हम नॉन स्टॉप ही आए हैं ना, एकदम नॉन स्टॉप आए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, सारे घर वाले इकट्ठे होंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी घर वालों का वेट करते हैं और मैं थोड़ा अपना जो कैमरा है वो चार्ज कर लेता हूँ। अधकुआरी में हम वेट कर रहे हैं और पापा को परेशानी हो रही है थोड़ी सी, पापा ने कर दिया है। पापा अपने लिए करेंगे घोड़ा क्योंकि अभी बहुत नीचे हैं। मैं जीजू मीनाक्षी और की जो घोड़े पे जा सकते हैं घोड़े पे जाएंगे, बाकी पैदल वाले पैदल जाएंगे, जिसको घोड़ा नहीं उठा सकता वो बग्घी पे जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी कॉफी वॉफी पीते हैं और घर वालों का वेट करते हैं, तो देखो कब तक आते हैं। A few moments later. तो फिलहाल सीन हो चुका है कुछ ऐसा कि घर वाले भी थक गए हुए हैं काफ़ी, मम्मी पापा और सोनदी वगैरह सब थक गए हैं, और ना ही यहाँ से हमें कोई कन्विंस मिल रहा है, ना ही पालकी मिल रही है, ना ही घोड़ा मिल रहा है जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे 2-3 बज रहे हैं रात के और लेट हो गए हैं, और हमने अभी ये डिसाइड किया है कि हम सुबह का वेट करेंगे, जब बैटरी कार चलेंगी तो तब तक हम यहीं पे साइड में बैठे हुए हैं मज़े से और थोड़ा वेट कर रहे हैं, और थोड़ा यहाँ पे सब अपना अपना थोड़ी थोड़ी नींद जो है वो कवर कर रहे हैं। मीनाक्षी ये देखो क्या बने, अम्मा बनी हुई है, कीर्ति में पापा और लेटे हुए हैं सारे, मम्मी सो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर फिलहाल यहीं पे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग। और ऐसा है सीन कुछ ऐसा है कि भाई 7 बजे जो है वो काउंटर स्टार्ट हो जाता है ई वैन जो ई व्हीकल है, और अभी हम यहाँ 6 बजे के खड़े हैं, और भाई लाइन देखो अभी पहले से भीड़ जो है वो लगी पड़ी हुई है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम टोटल 9 बंदे थे जिसमें से 2 चले गए हैं, वो कह रहे हैं हमने पैदल जाना है, जीजू और मीनाक्षी चली गई है, बाकी हम लोग ई व्हीकल में जाएंगे, ई रिक्शा में। अभी फ़िलहाल लाइन में लगे हैं, टिकट मिलने का वेट कर रहे हैं। से हमें बैटरी कार की टिकट्स मिल गई हैं, 5 बंदों की टिकट मिली हैं, इसमें हम अपने जितने लेडीज़ डिपार्टमेंट है उनको भेज रहे हैं, पापा को भेज रहे हैं। मैं और निशांत पैदल जा रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से दरबार तक। तो फिलहाल मेरे और निशांत की जर्नी स्टार्ट हो गई है, हम लोग फिर पैदल चल रहे हैं। हसते चेहरिया का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, वह मतलब यह होता कि इन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। बिल्कुल सही। अब देखो चल रहे हैं, देखो क्या बनता है, ये लोग तो पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में ऊपर, और हमें अभी 5.5 किलोमीटर पैदल पूरा कवर करना है। तो बस चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना नेक्स्ट डे। इतना चलने के बाद मिली हमें पैटी, पीछे भोजनालय आए थे लेकिन वहाँ इतनी लाइन थी कि हमारा खड़े होने का मन नहीं किया, और अभी पैटी मिली है, साथ में ना लिक्विड कोई चीज़ नहीं है, ना पानी है, ना कॉफ़ी है, ना चाय है, अजीब दास्ता है ये। तो फिर पैटी को खाते हुए इंजॉय करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं दरबार में, और बाकी लोग सब पहुँच चुके हैं, मम्मी दीदी
सब आ गए हैं, नहा बैठे हैं, स्नान सबने कर लिया है। मैं सक्षम हमारा वेट कर रहा था, उसने स्नान नहीं किया और अभी हम स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। भाई दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये अभी हम एग्जिट वाले रास्ते में है, लेकिन यहाँ तक रास्ते में अभी तक रश है। करेंगे तो भाई अभी दर्शन करेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम अपनी हालत ना बहुत ख़राब हो चुकी है, पूरी रात जागे रहे हैं। अभी नहाएंगे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेंगे, फिर मिलते हैं आपको दर्शन के बाद, क्योंकि कैमरा तो अलाउड नहीं है। तो अभी दर्शन करके मिलते हैं आपको सीधा। तो भाई दर्शन हो गए अपने सेफ एंड साउंड, और काफ़ी टाइम लगा हमें दर्शन करने में। अभी यहाँ पे थके हुए सारे बैठे हुए हैं, तो दोपहर भी बज रहे हैं 2:30, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर वापस। और पहले हम देख रहे हैं कि खाना खाएंगे, अभी यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद बैटरी कार की टिकट्स के लिए देखते हैं, अगर मिलती हैं तो बैटरी कार की टिकट्स लेंगे और अधिकारी तक बैटरी कार में जाएंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन मिलती है, क्योंकि रश बहुत है और इतना रश है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि हमें 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए दर्शन करते करते, इतना रश था। शोर इतना मचा हुआ कि ब्लॉग करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं और हम यहाँ से अभी निकले हैं। बड़ी मुश्किल से बैटरी कार अरेंज हुई, 4 ही बंदों की अरेंज हुई, जिसमें अभी मम्मी पापा, सोनिका दीदी और सक्षम गए हैं, मैं, कीर्ति, मीनाक्षी, निशांत और जीजू जा रहे हैं वापस पैदल। अभी ना भाई साहब हालत सही में बुरी हो रही है, अपनी भी बहुत बुरी हालत हो गई है, मौसम अच्छा हो गया, चलते हैं धीरे धीरे। तो भाई अभी ना हम एक्चुअली ऐसा है कि बारिश शुरू हो चुकी थी, जगदम मौसम चेंज हो गया और बारिश इतनी हुई है मैं क्या बताऊँ आपको। हमें नीचे पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज गए हैं, क्योंकि शेड के नीचे रुक रहे थे बार बार, और जब थोड़ी सी बारिश कम हो रही थी नीचे आ रहे थे, अभी भी गीले हुए हुए पड़े हुए हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम बाणगंगा के पास पहुँचे हुए हैं, अभी मम्मी, कीर्ति, सोनती सब प्रसाद ले रहे हैं, और ऐसा है कि बाणगंगा में प्रसाद मिलता है बड़ा ही ज़बरदस्त, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी ड्राई फ्रूट लेते हैं, यहीं से लेते हैं बाणगंगा में आके, या आनंद ड्राई फ्रूट में। तो फिलहाल इतना थक चुके हैं, और बारिश ने एक तो मौसम अच्छा कर दिया था, लेकिन बहुत ही हैक्टिक है यार, थक गए हैं, बुरी हालत हो गई है। अब यहाँ से फटाफट अब घर को तो हम जा नहीं सकते, जैसा है रात के 10 बज रहे हैं, अभी अपनी गाड़ियों तक पहुँचते भी हमें 11 बज ही जाएंगे। तो आज हम फिलहाल यहीं पर स्टे करेंगे सारे फैमिली वाले, तो सुबह यहाँ से निकलेंगे घर को जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑफिस भी जाना है कल। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। सबको बेस्ट विशेज़, जय माता दी, गुड नाइट।